टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 93 सीटें दांव पर है। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने दूसरे फेज के चुनावों से पहले 50 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो कर ये जता दिया कि मोदी लहर कायम है। तो क्या मोदी ने वोटर्स का मन बदल दिया है? क्योंकि अब बीजेपी की उम्मीदें जीत से आगे रिकॉर्ड जीत पर टिकी है। इसे लेकर गुजरात बीजेपी दफ्तर में ग्राउंड लेवल की रणनीति एग्जीक्यूट करने के लिए अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत तमाम नेताओं की बैठक चल रही है। इसमें शक नहीं कि मोदी का असरदार संवाद और वाइब्रेंट गुजरात का कार्ड गुजरात इलेक्शन में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन पर भरोसा करे थे, इसलिए जनता जनार्दन भाजपा पर। गुजरात भाजपा एटले सेवा, गुजरात भाजपा एटले माताओं बहनों महिलाओं की सुरक्षा, गुजरात भाजपा एटले शांति, गुजरात भाजपा एटले समाजनी तोड़वा वाली ताकतों पर जीवलेण प्रहार करवानी शक्ति। सियासी समर सत्ता का संधान भर नहीं है, बल्कि वाद प्रतिवाद है और संवाद है। और चुनावी रण के पहले फेज को पार कर चुका ये मोदी का गुजरात है। अहमदाबाद के 50 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम मोदी का रोड शो एक रिकॉर्ड बन गया। यहाँ के चुनावी इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रोड शो था। करीब 4 घंटे का ये शो, जिसमें सिर्फ मोदी थे और चारों तरफ फैली गुजरात की चरखा। हजारों की भीड़ ने मोदी का अभिवादन किया और पीएम मोदी भी 4 घंटे तक अथक गुजरातियों के स्नेह और सम्मान को सहेजते रहे, उनका अभिवादन करते रहे। पीएम मोदी का ये रोड शो 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा, जिसमें पीएम मोदी ने अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट को कवर किया। 27 साल से तो बीजेपी यहाँ पर है। बीजेपी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें, सब अच्छा है यहाँ, कोई भी आवे पर यहाँ मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। उमारी कम हो जाने, मोदी ने रोड शो कराया तो आ जाएगा। तो क्या इस बार मोदी के गुजरात दुर्ग को फतह करने में जुटे विपक्ष की बेचैनी ये तस्वीरें बढ़ाने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष की सारी घेरेबंदी, सारा गणित, धर्म जाति का सारा सूत्र मोदी मैजिक में साफ हो जाएगा? हालांकि जिन सीटों से होकर मोदी का काफिला गुजरा, उनमें पिछले चुनाव में 14 में से 11 सीटें बीजेपी के पास आई थी, जबकि 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने जिस तरह का मेगा रोड शो किया, इसके बाद कयास इस इलाके में कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक के दरकने के भी लगाए जा रहे हैं। गुजरात में मोदी आएगा, मोदी जी मोदी है तो मुमकिन है, ओनली मोदी, ओनली मोदी। हाँ अच्छा लगा ना लोगों को, इलाके से निकल रहे हैं, बहुत अच्छा जज्बा था सबका, जज्बा सा था। अच्छा ये बताइए, कुछ वोट बैंक वोट बढ़ेगा उनका यहाँ से निकल के गए तो? हाँ पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। गुजरात में ठीक ठाक काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। तो क्या मोदी ने वोटर्स का मन बदल दिया है? क्योंकि बात दूसरे फेज की नहीं है, बल्कि पहले फेज की जंग में भी जिस तरह की वोटिंग हुई है, उसके बाद मोदी मैजिक के असर की चर्चा तेज हो चुकी है। और रही सही कसर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण दाव ने पूरी कर दी। एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने है भाई, क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है क्या है? इसमें शक नहीं कि गुजरात में मोदी का एफेक्शन, एक्शन और डेडिकेशन बेहद कन्विंसिंग रहा है। 2014 में गुजरात के विकास मॉडल को देश में अप्रूव कराकर मोदी ने भले राष्ट्र की बागडोर संभाल ली हो, लेकिन गुजरात की जनता बीजेपी के हक में सत्ता मोदी के नाम पर ही लिखती रही। देश से लेकर कई राज्यों की सत्ता से बेदखल हो चुकी कांग्रेस की बेचैनी उसके मोदी पर तीखे जुबानी हमले में दिखती है। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा था, तो राहुल गांधी ने 2019 में नारा दिया चौकीदार चोर है।
इसके बाद मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को औकात दिखा देने की बात कही तो सुबोध कांत सहाय ने मोदी को हिटलर और तानाशाह तक कहा। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री कहते हुए हमला बोला। मोदी पर कांग्रेस का बिल ऑफ द बेल्ट वार मोदी के वोट बैंक को और मजबूत कर रहा है। मोदी अपनी राजनीतिक लकीर पर कायम रहे। आज हालात ये हैं कि कभी मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस भी राम का नाम चुनावी मंचों से बीजेपी के और कांग्रेस के राम के जयकारे में भेद। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते कि संगठन में एक महिला नहीं है। तो क्या कांग्रेस के लिए बात समझने की है कि मोदी ब्रांड राजनीति का काउंटर सतही और सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड से नहीं हो सकता। लेकिन बात इतनी भर नहीं है क्योंकि मोदी ने धर्म के साथ ही विकास की एक ऐसी लंबी लकीर खींची है जिसे लांग पर सत्ता तक पहुंचना कांग्रेस के लिए आसान नहीं। बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी हर चुनाव आखिरी चुनाव की तरह लड़ती है। सारी शक्ति सामर्थ गहरे संवाद और अपने विकास धर्म मॉडल के साथ, जबकि कांग्रेस के हाथ में न तो संवाद शक्ति दिखती है और न ही कोई गवर्नेंस मॉडल। ये फर्क वोटर्स के लिए बड़ा है। पीएम मोदी ने गुजरात में 28 रैलियां की और 3 रोड शो किए, जबकि राहुल गांधी ने 2 रैली की और 1 भी रोड शो नहीं किया। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने 7 रैली की और 7 रोड शो की। पहला फेज निकल चुका है। 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर दांव खेला जा चुका है और नतीजे लॉक हो चुके हैं। अब बाजी दूसरे फेज की है जिसमें दांव 93 सीटों पर है। सौराष्ट्र कच्छ इलाके में 2017 के मुकाबले वोट प्रतिशत गिरा है। इस बार 63.14% वोटिंग हुई जबकि पिछली बार सौराष्ट्र कच्छ इलाके में 66.75% वोटिंग हुई। खास बात यह है कि पहले फेज में पाटीदार बाहुल इलाकों में कम वोटिंग हुई जबकि आदिवासी इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत कहीं ज्यादा था। सौराष्ट्र कच्छ इलाके में बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर थी। अगर वोट प्रतिशत घटा है तो जाहिर है इसकी वजह आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। मोदी ने गुजरात में मुद्दा विकास का चुना था लेकिन कांग्रेस ने रावण का जिक्र कर बीजेपी के पाले में मुद्दा डाल दिया। वो मुद्दा जिस पर 90 के दशक के गुजरात का सियासी नक्शा कसा गया और 2002 में मोदी सरकार बनी। तो क्या मोदी मैजिक एक बार फिर इतिहास दोहराने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इतिहास लिखना और इतिहास बनाना मोदी का स्टाइल ऑफ एक्शन, फिर चाहे वो चुनावी मैदान हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच, मोदी का विजन अपनी व्यापकता के साथ दुनिया को चकित करता है। यही वजह है कि दुनिया के दमदार लीडर्स की लिस्ट में मोदी शिखर पर काबिज है। राष्ट्रहित में मोदी ने कभी कोई समझौता नहीं किया। नए दोस्त बनाए तो पुराने दोस्तों से भी दोस्ती बखूबी निभाई और समय पड़ने पर दोस्त को सही राह भी बताई। मोदी की यही बेबाकी, यही स्टाइल, यही नीति दुनिया के स्तर पर उनकी स्वीकार्यता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। के मंच पर मोदी के असरदार किरदार की सबसे ताजा तस्वीर है G20 समिट में न्यू इंडिया की दमदार और दीगर मौजूदगी। बीते 8 सालों में मोदी की विदेश नीति ने अगर नए दोस्त बनाए तो पुराने और परंपरागत दोस्तों से भी दोस्ती बखूबी निभाई। 2014 के आगे मोदी की अगुवाई वाला न्यू इंडिया दुनिया के बड़े मुद्दों पर अपनी बेवाक और आजाद राय रखता है, फिर चाहे वो आतंकवाद का मसला हो, ट्रेड हो या फिर वॉर। मोदी ने अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपनी दोस्ती के रिश्तों में न देश हित की अनदेखी की और न ही दूसरे देशों के रिएक्शंस की परवाह की। मोदी जब भी बोले खुलकर बोले और बेबाक रहे। पीएम मोदी की यही बेबाकी उन्हें एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर दुनिया के मंच पर काबिज करती रही है।
विस्तार बाद आतंकवाद जैसे बेहद चुनौती भरे मुद्दों के खिलाफ संतुलित आक्रामकता के साथ मोदी ने दुनिया को एक्शन लेने को बाध्य किया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रहा मोदी का वसुधैव कुटुंबकम का वो सूत्र जो दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखता है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने G20 की भारत को मिली अध्यक्षता के मौके पर भी किया था। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। जनता जनार्दन ही शक्ति है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने मोदी के नेतृत्व में दुनिया का भरोसा जीता है। वैश्विक स्तर पर भारत इतना लाउड एंड क्लियर कभी नहीं रहा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोदी का वैश्विक विजन, जिसमें मानवता, राष्ट्रहित, प्रतिबद्धता, संवेदना और शांति सबसे ऊपर रही है। और इसी कसौटी पर मोदी ने अगर अमेरिका से दोस्ती मजबूत की है तो रूस के साथ भी अपनी प्रतिबद्धता और मित्र धर्म दोनों मजबूती के साथ पकड़ रखा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच भी यूरोपीय देशों और अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद मोदी रूस के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे, रूस से तेल खरीदी का करार किया और उसे जारी रखा। मोदी के इस नीति की तारीफ तो पाकिस्तान में इमरान खान तक की। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे।